साल 2013 इलोन मस्क हाइपरलूप को दुनिया के सामने रखते हैं। मस्क ने अपनी स्पीच में बताया था कि हाइपरलूप दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन होने वाली है, जिसकी स्पीड अप्रोक्स 1200 किलोमीटर पर आर होगी। अगर इस स्पीड को इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन से कंपेयर किया जाए, जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आर है, तो डिफरेंस काफी बड़ा है। हाइपरलूप ट्रेन इतनी तेज है कि जहां लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जाने में 7.5 घंटे का टाइम लगता है, वहीं हाइपरलूप इस डिस्टेंस को सिर्फ 30 मिनट में कवर कर सकती है। ये कैलकुलेशन सुनकर आपको भी ये कंसेप्ट रेवोल्यूशनरी लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आज 10 साल बीत जाने के बाद भी हाइपरलूप फेल होती नजर आ रही है। हाइपरलूप की पेरेंट कंपनी वर्जिन हाइपरलूप ने पैसेंजर ट्रेन पर काम करना बंद कर दिया है, और कुछ समय पहले कंपनी ने 50% एम्प्लॉइज को भी जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि कंपनी को अब इस प्रोजेक्ट में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता कि एक ऐसा कंसेप्ट जिसे रेवोल्यूशनरी माना जा रहा था, वो फेल क्यों हो रहा है, और वे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हाइपरलूप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते कि हाइपरलूप है क्या। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हाइपरलूप इलोन मस्क की इन्वेंशन है, बल्कि इस कंसेप्ट को 18th सेंचुरी में एक ब्रिटिश इन्वेंटर जॉर्ज मैडस्ट ने तैयार किया था। हाइपरलूप बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सामने आने वाली रेजिस्टिव फोर्सेस जैसे एयर फ्रिक्शन और टायर फ्रिक्शन को कम किया जाता है। एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स में हाइपरलूप ट्रेन चलाई जाएंगी, और टायर फ्रिक्शन को कम करने के लिए ट्रेन मैग्नेटिकली मूव करेंगी। ये ट्रेन कुछ इस तरह दिखेंगी जैसे बुलेट ट्रेन को वैक्यूम चैम्बर में चलाया जाए। आज के टाइम में हाइपरलूप 1, हाइपरलूप टीटी और द बोरिंग कंपनी इस कंसेप्ट पर काम कर रही है। अभी तक इन सभी कंपनीज में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हाइपरलूप 1 ही है, लेकिन जितना फ्यूचरिस्टिक इस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग में माना जा रहा था, उतना अब नहीं। इसलिए तो आज कंपनी पैसेंजर ट्रेन को छोड़कर कार्गो ट्रेन पर काम कर रही है। लेकिन क्यों, ऐसी क्या कमी है हाइपरलूप कंसेप्ट में जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ रहा है? नंबर 1, डेवलपमेंट कॉस्ट। सिर्फ 1 किलोमीटर एरिया में हाइपरलूप सेटअप करने के लिए $190 मिलियन खर्च होंगे, जो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आज इंडिया में 1 किलोमीटर बुलेट ट्रेन सेटअप करने के लिए $27 मिलियन खर्च होते हैं, यानी नॉर्मल बुलेट ट्रेन से हाइपरलूप का खर्चा 7 गुना ज्यादा होगा। और अगर पूरे भारत में हाइपरलूप को सेटअप किया जाए तो करीब $190 बिलियन खर्च होंगे, लेकिन बुलेट ट्रेन सिर्फ $27 बिलियन में सेटअप हो जाएगी। हाइपरलूप की शुरुआती हाइप के चलते अबू धाबी ने भी कंपनी के साथ डील साइन करी कि 2022 तक दुबई में हाइपरलूप दौड़ने लगेगी, लेकिन अभी के टाइम में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ये डील भी कैंसिल की जा चुकी है। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस। अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान कई ज्योग्राफिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स और टर्न्स। आज भी इंजीनियर्स को ये जवाब नहीं मिल पाया है कि हिली एरियाज में हाइपरलूप कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि टर्न्स को मैनेज करना आसान काम नहीं है। जब ट्रेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेंगी, तब पैसेंजर की सेफ्टी एंश्योर करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अभी तक की फास्टेस्ट ट्रेन जिसकी स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर है, उसकी टर्निंग के लिए रेडियस 4.4 किलोमीटर रखनी पड़ती है। साथ ही ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक के दौरान हाइपरलूप ट्रेन से लोगों को बाहर कैसे निकाला जाएगा। तीसरा चैलेंज है वैक्यूम ट्यूब। हाइपरलूप ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम ट्यूब से ही मिलेगी। हमारे आसपास 15 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहीं हाइपरलूप ट्यूब में सिर्फ 0.01% psi प्रेशर होगा, यानी नॉर्मल से 1000 गुना कम। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि हाइपरलूप की टनल्स हजारों किलोमीटर लंबी होंगी, जिनमें प्रेशर बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ सालों पहले इलोन मस्क ने हाइपरलूप से रिलेटेड कई बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन रियलिटी तो ये है कि उनकी बोरिंग कंपनी अभी तक सिर्फ एक डंब आइडिया है। फोर्थ चैलेंज है ह्यूमन सेफ्टी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इतनी तेज स्पीड में क्या ह्यूमन सेफली ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि जब लोग बुलेट ट्रेन से ट्रेवल करते हैं जिसकी स्पीड 200 से 300 किलोमीटर पर आर होती है, तभी लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और हाइपरलूप तो उससे भी 4 गुना फास्टर है। हाइपरलूप पर पिछले 10 साल से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली सिर्फ 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड ही टेस्ट हो पाई है। मतलब अभी तक हाइपरलूप की स्पीड में 15% ही सक्सेस मिल पाई है। और यही नहीं, 2019 में मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप चलाने की बात की गई थी, लेकिन आज इस डील को भी कैंसिल करने की बात चल रही है। आपके ओपिनियन में इंडिया को हाइपरलूप पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।